दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, और अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी क्योंकि अब लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी के बयान आ रहे हैं, किंग पिन भी आएंगे या सरगना अभी बाकी है, केजरीवाल तक क्या ये आज जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कौन सा शराब घोटाला है, कितना बड़ा शराब घोटाला है, इसके बारे में हम आपको इस एक्सप्लेनर में बताने जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा, दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LGV सक्सेना को सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में है। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। CBI ने सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापेमारी की थी जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। 27 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया से पहले जांच एजेंसी ने विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की चौथी गिरफ्तारी थी। इस बीच ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और उन्होंने दावा किया कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था। शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम KCR की बेटी के कविता का नाम आने से हर कोई चौंक गया था। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर दिल्ली शराब नीति घोटाले से तेलंगाना के सीएम की बेटी का क्या लेना देना। 2 दिसंबर 2022 को CBI ने के कविता को समन भेजकर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया था। इसके बाद कविता ईडी के भी रडार पर आ गई। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च 2023 को ईडी ने करीब 9 घंटे तक के कविता से पूछताछ की थी। उनसे हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों को लेकर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक CBI ने शराब घोटाला मामले की जांच के लिए सितंबर 2023 में पंजाब के कुछ अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। 16 अप्रैल 2023 को CBI ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इसे लेकर उनको समन जारी किया गया था। देखिए, एक बहुत दिलचस्प पहलू है। 1000 से ज़्यादा जगहों पर रेड मारी गई लेकिन 54 नहीं मिली, ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये राजनीति से प्रेरित कार्यवाही है। ईडी की कार्यवाही को लेकर कई बार विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। आपने देखा, संजय राउत जो हैं वो खुद भी ईडी की रडार पर थे, वो खुद भी जेल रहकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर इन मामलों पर उनकी टिप्पणी आ रही है। लेकिन एक बात समझने जैसी है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये बात तय है कि जांच एजेंसियों के पास कुछ आधार होता है और ये जो नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू की गई थी इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई जिससे एक मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से कई बयान आपको सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है करप्शन का मुद्दा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपको याद होगा रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल के इस राजनीतिक जीवन की आप शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि उस समय पर वो कहते थे कि किसी हालत में वो राजनीति में नहीं जाएंगे। बाद में उन्हें चैलेंज भी किया गया कि अगर राजनीति करना है तो खुलकर राजनीति के मैदान में आओ।
खैर ये पुरानी बातें हो गई, 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में वो कामयाब रहे। सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, पंजाब में सरकार बना चुके हैं, गुजरात में एंट्री कर चुके हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, इसमें भी अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया अलायंस के बहुत सारे दलों का एक ही मुद्दा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित तौर पर बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सारे दलों को एक ही मंच पर ले आया, यानी आने वाले दिनों में इस पर तकरार कम होने का नाम नहीं लेगी। एक तरफ जैसे आप देखते हैं जातिगत जनगणना का मुद्दा आ जाता है, कुछ अन्य मुद्दे आ जाते हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के चुनाव में ये गिरफ्तारियां, ईडी की कार्रवाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगना और फिर जब ये कानूनी तौर पर पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती है, यानी जाँच एजेंसियाँ अपने सबूतों को सामने रखती हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होती है उससे इनकी इमेज पर बड़ा डेंट भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद में दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन, ये हंगामे का केंद्र बना हुआ है।